हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय जैन विजिलाइज। आज का हमारा जो चर्चा का विषय है वो मध्य प्रदेश समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित है और ये जो घटना है ये हमारे राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण घटना है। जल संरक्षण से संबंधित ये घटना है। अखिल भारतीय स्तर पर जल संरक्षण से रिलेटेड ये पहला सम्मेलन है जिसमें हमारे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारे राज्य हैं और या केंद्र शासित प्रदेश हैं वो सभी जल संरक्षण के बारे में सक्रिय रूप से काम करें ताकि 2047 तक जो हमारी पानी की आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो सके। क्योंकि विजन 2047 में हमारे जो मोदी जी हैं उन्होंने एक विकसित भारत की कल्पना की है। उस विकसित भारत की कल्पना तभी पूरी होगी जब हमारे यहाँ पर जो लोगों की आवश्यकता है वो पूरी होगी और उसमें एक बुनियादी आवश्यकता हमारी जल की है। ये जो सम्मेलन है ये 2 दिवसीय सम्मेलन है और इसका जो स्थान है वो भोपाल है। भोपाल में ये आयोजित किया जा रहा है। 5 और 6 जनवरी को ये सम्मेलन आयोजित किया जाएगा कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में। इसका जो विषय है वो है वाटर विजन 2047 है इसका विषय। और इस विषय के अंतर्गत जो विचार हैं तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री वो अपने विचार साझा करेंगे इसमें। फिर इसके बाद राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने स्तर पर वाटर पॉलिसी बनाएंगे ताकि जल संसाधन का प्रबंधन ठीक तरह से किया जा सके। आते हैं कि ये 2 दिवसीय जो सम्मेलन है उसमें 5 विषय यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है वो जल सुशासन है यानी जो वाटर गुड गवर्नेंस है एक प्रकार से वो यहाँ पे मुख्य है। अब यहाँ पे आपको ये भी जानना चाहिए कि जो पानी है या जल है वो हमारे संविधान के किस भाग में आता है। तो आपको याद रखना ये राज्य सूची का विषय है और राज्यों को इस पर कानून बनाने का अधिकार है। इसलिए केंद्र सरकार ने ये पहल की है कि राज्य इसमें आगे बढ़ करके सक्रिय हों और इस समस्या का समाधान निकल सके। यहाँ पे मोदी जी ने 5P का मंत्र भी दिया है आप देख सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि केंद्र सरकार के द्वारा जल संरक्षण के लिए जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका भी मैंने यहाँ पर संक्षेप में उल्लेख किया है ताकि आपका ये जो टॉपिक है ये कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर हो जाए। इसी के बाद आप देखेंगे कि ये केंद्र सरकार की योजनाओं के बाद यहाँ पर जल संरक्षण की जो अवधारणा है उसके जो पॉइंट्स हैं उसके जो एक तथ्यात्मक पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे मैंने बताए हुए हैं। तो इनको भी आपको याद रखना चाहिए ताकि आप जो मेंस है मेंस का जो पेपर 1 है सेक्शन B उसमें यूनिट 4 है और उस यूनिट 4 में आपको मालूम होगा कि जल प्रबंधन एवं आपदा का ये जो टॉपिक है वो टॉपिक भी आपका कवर हो जाए। इसके साथ ही हमने इसमें एक और विषय शामिल किया है कि हमारे मध्य प्रदेश में जल संरक्षण के लिए सरकार क्या कर रही है या जल संरक्षण के लिए हमारे जो शासक रहे हैं या हमारा प्राचीन काल में या इसके पहले जो भी प्रयास किए गए हैं उसका भी मैंने यहाँ पे उल्लेख किया है आप देख सकते हैं। चंदेल शासकों ने करीब 2000 जल संरचनाएं बुंदेलखंड क्षेत्र में बनाई थी। इसी प्रकार से हमारे शासक हैं राजा भोज उन्होंने भोजताल का निर्माण किया था। तो आप इन सभी बिंदुओं को आप जोड़ करके जब समझेंगे तो आपका एक कॉन्सेप्ट बन पाएगा। जलाभिषेक अभियान, नदी पुनर्जीवन अभियान, नर्मदा सेवा यात्रा, मध्य प्रदेश जल नीति 1-2 माह में घोषित की जाएगी ऐसा हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है। बलराम ताल योजना आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब ये जो वाटर विजन है इसमें जो भी कार्यक्रम है उसकी एक रूपरेखा यहाँ पर दी गई है। कुल मिलाकर के ये है कि देश में जो जल का भंडारण है वो पर्याप्त होना चाहिए। वो तभी हो सकता है जबकि हमारी जो जल संरचनाएं हैं वो सुरक्षित रहें, उनका समय समय पर पुनर्निर्माण हो, भौम जल स्तर हमारा नीचे ना जाए, भौम जल स्तर को हमेशा हम बढ़ा करके रखें। ये सभी बिंदु इसमें शामिल होंगे तब जाकर के
हमारी जो बढ़ी हुई जनसंख्या है, हमारा जो औद्योगिक विकास है, कृषि का जो हमारा विकास है, हमारी जो खाद्यान्न आवश्यकता है वो पूरी हो सकेगी। आज का हमारा ये जो टॉपिक है वो यहीं पर समाप्त होता है। इस टॉपिक की जो PDF है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल विजिलाइजेशन दौर पर आपके साथ साझा करेंगे। आज की परिचर्चा को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद।